ओ भाई, टेल टाइडी और रियर फेंडर जो है वो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा ऐसे। और ये देखो भाई, तो यार ये अपनी ऑल न्यू होंडा CV 300R, और बाइक की डिलीवरी कुछ ही दिन पहले मैंने ली थी, लेकिन अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन बाइक के अंदर नहीं की है। लेकिन आज पहली बार अपनी बाइक के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हम ट्राई करने जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइट वेट 300cc बाइक है ये, सबसे लाइट वेट बाइक है 300cc सेगमेंट में, और इसको और ज़्यादा लाइट वेट हम बनाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पीछे आप ये जो देख रहे हो ना, ये इसका रियर फेंडर, तो इस पर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर प्लेट भी माउंट की गई है, इसके ऊपर यहाँ पे LED इंडिकेटर्स भी हैं, और साइड में ये साड़ी गार्ड भी है। और ये पूरा का पूरा एक यूनिट है यार, पूरा का पूरा, क्योंकि ये वाला पार्ट ये आपस में इंटीग्रेटेड है। और आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है, और एक स्क्रू यहाँ पे है। और तो ये तीन स्क्रू निकालने के बाद हमारा ये साड़ी गार्ड, हमारा ये रियर फेंडर, ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं ये अलग हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इन दोनों पार्ट्स को रिमूव करेंगे, और एक दूसरा काम ये करेंगे कि अपने जो ये रियर व्यू मिरर्स हैं थोड़े से बड़े साइज़ के हैं यार, वैसे तो ये काफ़ी सही हैं लेकिन थोड़ा सा ही बड़े साइज़ के हैं, तो इनको भी रिमूव करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यार इनको रिमूव करके मैं कुछ लगाऊंगा नहीं, इनको रिमूव करके हम आफ्टर मार्केट में देखेंगे। बार एंड मिरर्स जो होते हैं ना वो बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो बार एंड मिरर्स आपको भी अगर कुछ पता है ना जो बढ़िया वाले इस बाइक के ऊपर लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई लिंक हो तो लिंक भेज देना, वो वाले बार एंड मिरर्स बाइक के अंदर हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ये वाले जो मिरर्स हैं इनको आज रिमूव कर देंगे, और फिर बाइक का लुक देखेंगे कैसा आएगा। तो नंबर एक बाइक का रियर फेंडर, नंबर दो बाइक का जो साड़ी गार्ड है वो, और थर्ड नंबर पे बाइक के रियर व्यू मिरर्स, इन तीनों चीज़ को रिमूव कर देंगे बाइक में से। और रिमूव करने के बाद अपनी 300cc की जो बाइक है, सबसे ज़्यादा लाइट वेट बाइक है, इसको और ज़्यादा लाइट वेट बनाएंगे। और ज़्यादा लाइट वेट बनाने के लिए आप देख सकते हो हम कैसी जगह भी आज खड़े हुए हैं, तो ऑफ रोडिंग टाइप की जगह है, तो यहाँ पे बाइक की पूरी मॉडिफिकेशन आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर सारे काम को। तो भाई ये 12 नंबर का ही चाहिएगा, आपको पता होगा इसका क्या नाम, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, लेकिन ये 12 नंबर का ही चाहिए होगा। ये दो स्क्रू, तीनों स्क्रू यहाँ से हटाने के लिए, तो ये मैंने लगा लिया है इसमें, और अब फटाफट से इसको रिमूव करते हैं और फिर हटा के आपको दिखाते हैं बाइक के लुक। ओ भाई ये तो निकल रहा है यार, ओ बेटे कर दिया काम, भाई ने कर दिया काम, मेरे से निकला भाई ने खोल दिया, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बन गई बात। तो भाई एक ढीला हो गया है और एक और हम ढीला कर रहे हैं, ये तो ये भी बस निकल जाएगा, और फिर उसके बाद अपना ये पूरा का पूरा जो टेल टाइडी है ना ये रिमूव कर देंगे पूरी की पूरी। ये है भाई सबसे पहला, और अब दूसरे का नंबर जोर लगा के, ये आसान था। दो यहाँ पे, चार, और एक ये पांच, तो टोटल पांच है यार, ये दो ये हो गए, दो इस साइड के हो गए, और एक ये लास्ट में ये। तो भाई ये देख लो, साड़ी गार्ड तो हटा दिया हमने भाई, इसका एक ये कनेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वायर है पीछे वाला, आप देख सकते हो ये पतला सा ये वायर है ना, ये वायर है, तो यहाँ से ये कपलर टू कपलर वाला सीन होता है ना, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और इसको रिमूव करके हम फिर निकाल लेंगे। और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो गया, और ये रिमूव करने के बाद अपना जो पूरा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, रियर फेंडर, टेल टाइडी और रियर फेंडर जो है वो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा ऐसे। और ये देखो भाई, ये पहले इसमें सीट लगाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि क्या लुक आएगा इसका पीछे से। यार ऐसी मॉडिफिकेशन, मतलब ये शायद रिमूव किसी ने नहीं किया होगा। ओ भाई साहब, अब आप देख सकते हो चाबी निकाल लेते हैं यहाँ से, और अब आप देखो भाई क्या लुक आ रहा है CV 300R का। सो गाइज आप देख सकते हो भाई, तो भाई कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। रियर फेंडर और टेल टाइडी जो अपना नंबर प्लेट है वो उतारने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपनी CV 300R का। अब इसमें एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे टेल टाइडी एक इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो RTR 310 के अंदर आता है ना, यहाँ से कवर आता है जो, मतलब अपना क्या बोलते हैं उसको, रियर टायर हगर होता है, रियर टायर हगर के ऊपर ही नंबर प्लेट माउंट हो जाती है, तो वो वाला सिस्टम भी इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ही एक टेल टाइडी लगा के और उसी के साथ में हम इंस्टॉल कर सकते हैं नंबर प्लेट को, तो देखेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करेगी बाइक पे, उसके साथ हम काम करेंगे। लेकिन अब लुक देखो यार बाइक के, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है यार, लेकिन एक्चुअल में जब बाइक को हम ऐसे देख रहे हैं ना तो बाइक के लुक बहुत ख़तरनाक आ रहे हैं पीछे से, बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है यार पीछे से देखने में। और अपने रियर व्यू मिरर्स यार हटाने के लिए ना ये पूरा ही यहाँ से हम हटाएंगे ताकि पूरा का पूरा पार्ट बाहर आ जाए, क्योंकि बार एंड मिरर्स बाइक के अंदर इंस्टॉल करने हैं तो ये पूरा का पूरा ही हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए 15-16 नंबर की चाबी है, इससे हम यहाँ से ये हटाएंगे।
तो स्टार्ट करते हैं भाई इस काम को भी। ओहो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया यार, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत लगी नहीं। और भाई ऐसी बात नहीं है कि रियर व्यू मिरर्स हम इंस्टॉल नहीं करेंगे यार, रियर व्यू मिरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लगाए बिना हाईवे पे राइड नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर एक स्क्रू भी लगाएंगे हम ताकि यहाँ पे जंग नहीं लगेगा, वो लगाना भी यार बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पार्ट अगर खाली रहेगा ना तो इस पे जंग लग जाता है बड़ी जल्दी। तो रस्ट ना लगे इसके लिए इसके ऊपर एक नट आता है वो लगाना पड़ेगा। ये भी यहाँ से हटा दिया है तो इसके ऊपर भी नट लगेगा, इसके ऊपर भी नट लगेगा एक। तो अब बाइक के लुक कैसे आ रहे हैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, और कुछ ऐसा लुक आ रहा है यार बाइक का। पीछे से लुक दिखा देता हूँ एक बार, पीछे से लुक कुछ ऐसा आ रहा है और साइड से आप देखोगे तो लुक कुछ ऐसा आ रहा है। वाओ यार, मतलब बिना कुछ किए भी बाइक मॉडिफाइड लग रही है, बिना कुछ किए भी बाइक को आप ऐसा लुक दे सकते हो कि बाइक थोड़ी सी मॉडिफाइड लगे। सो गाइस ये था अपना रियर फेंडर और इसके ऊपर ये नंबर प्लेट लगी हुई थी, तो ये अपना रिमूव हो गया है यहाँ से। और दूसरा ये जो अपने रियर व्यू मिरर्स थे ये भी रिमूव कर दिए हैं, और तीसरा जो अपना साड़ी गार्ड था ना वो भी रिमूव कर दिया है। तो इनका यार वेट मुझे ऐसा लग रहा है 5 से 6 किलो वज़न होगा यार इनके अंदर, क्योंकि जो अपना साड़ी गार्ड है ना उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसके अंदर भी वेट है, तो 5 से 6 kg वेट और कम हो गया होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि बाइक का वेट 140 kg के आसपास हो गया होगा, और अब मुझे लग रहा है कि यार बाइक का पावर टू वेट रेशियो और ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, जिसकी वजह से बाइक की टॉप स्पीड भी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन वो हम टेस्ट करेंगे बाइक की फर्स्ट सर्विस के बाद। लेकिन हाँ यार बाइक के लुक बिल्कुल इंप्रूव हो चुके हैं, अब लुक आप देख सकते हो रियर प्रोफाइल यार कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये सब हटाने के बाद। एक्चुअल में अब पता चल रहा है कि बाइक के अंदर इतना चौड़ा इतना बड़ा टायर है, नहीं तो पहले पता ही नहीं चल रहा था कि बाइक के अंदर इतना बड़ा टायर है। तो कहीं ना कहीं अब ये बोल सकते हैं कि अब अपनी जो बाइक है वो स्टंटर बाइक बन चुकी है, जिन पे स्टंट्स वगैरह करते हैं ना बिल्कुल वैसी बाइक बन चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेकेड लग रही है पीछे से पूरी की पूरी, क्योंकि वो स्टंटर जो बाइक्स होती हैं वो काफ़ी हल्की होती है वेट में। MT15 से भी हल्की 300 cc की बाइक अब अपनी बन चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, तेल टायडी भी पीछे इंस्टॉल करवाएंगे, और या तो रियर टायर हगर पीछे इंस्टॉल करेंगे जिसके ऊपर नंबर प्लेट माउंट हो जाती है, या फिर एक टेल टायडी ऐसे लगवाएंगे जिसके ऊपर नंबर प्लेट यहाँ पे माउंट हो जाएगी। और जो अपने रियर व्यू मिरर्स हैं उनको हटाने के बाद बाइक के अंदर बार एंड मिरर्स इंस्टॉल करेंगे, और बार एंड मिरर्स तो यार बाइक के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हैं तब रियर व्यू मिरर्स बहुत काम आते हैं यार। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि बाइक के अंदर अगर आप रियर व्यू मिरर्स अगर हटा रहे हो तो कोई और मिरर्स जरूर इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि यार रियर व्यू मिरर्स राइडिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे YouTube के ऊपर भी वर्ल्ड वाइड भी मैंने ऐसी कोई CB300R नहीं देखी थी जिसको इतनी ज़्यादा हल्की हो, जिसका रियर फेंडर हटा दिया गया हो या अपना टेल टाइडी वगैरह हटा दी गई हो। तो ये पहली ऐसी YouTube के ऊपर 300R है जो ऐसे लुक्स के साथ में आप देख रहे हो। बाइक आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी जो और बाइक के साथ में जो हम चीज़ें करने वाले हैं ना वो भी आपको बता देता हूँ। तो और भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बाइक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे, जैसे कि बाइक के अंदर KN का फिल्टर एयर फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और उसके बाद में बाइक के अंदर हम जब बाइक की फर्स्ट सर्विस करवाएंगे तो बाइक के अंदर मोटूल का या फिर लिक्विड मोली का इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे, तो उसकी वजह से भी बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो यार अपनी CB300R के साथ में ये छोटी सी मॉडिफिकेशन कह लो या कुछ भी कह लो आप इसको, आपको ये कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी बाइक के साथ में जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे या जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो सारी चेंजेस अगर आपको देखने हैं मॉडिफिकेशन वगैरह देखनी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके भाई की रिक्वेस्ट है यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो @KTK Moto Vlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।